दोस्तों, हर एक साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि इंडिया के, वो हर साल एक नया नया बजट पेश करती है, जिसमें कि वो बताती है कि देश में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे, कितना टैक्स आया और हमने किन किन प्रोजेक्ट पर कितना कितना पैसा लगाया। दोस्तों, आपको पता होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में स्टार्ट होते हैं और वो कैंपेन चलाया जाता है, अभियान स्टार्ट भी होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पैसा कहाँ से आता है कि वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सके? सो इस वीडियो में हम जानेंगे यही बात कि गवर्नमेंट किन किन सोर्सेज से पैसा कमाती है और वो पैसे को कहाँ लगाती है और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या मिलता है। सो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, कोई भी सरकार जब पैसे कमाती है तो वो तीन मेन सोर्सेज से कमाती है। पहला टैक्स रिवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू और तीसरा बोरोइंग, मतलब कर्ज लेना। सो दोस्तों, पहले हम टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है इनकम टैक्स, यानी कि कितने आप लोग कमाते हैं उसमें आपका टैक्स लगेगा, इतने प्रतिशत अगर आप इतने से ऊपर या इतने से नीचे, इस तरह से अकॉर्डिंग एक परसेंटेज होती है, जो अगर आप इतना आप कमा रहे हैं तो इतना आपको देना पड़ेगा आपकी कमाई से। दोस्तों, इसमें कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और भी कई सारे टैक्स, और इसी में आता है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि हमेशा मोदी जी माफ कर देते हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे मतलब आते हैं टैक्सेज, जो बताने में बहुत सारी टाइम लगती है। चलिए बात करते दोस्तों, इसमें आता है सेल टैक्स, जब कोई भी चीज सामान बेचता है तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ इसका भी टैक्स देना पड़ता है। सर्विस टैक्स, उसका भी देना पड़ता है, उसमें भी कितना आप सर्विस बेचो और कितना उसमें आपका प्रॉफिट हुआ वो भी आपको देना पड़ेगा। जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक तरह का टैक्स है दोस्तों, जीएसटी तो आपको बताओ। कस्टम ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटी, ये भी दोस्तों एक प्रकार का टैक्स है जो सरकार को देना पड़ता है। ये तो हुई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात, अब भी बहुत सारे ऐसे अदर्स जो मतलब लोन है वो भी है। और आपको मैं इस वीडियो में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं लोन या टैक्स के बारे में। सो मेरे पास खुद उतनी पता नहीं थी कि कौन कौन से टैक्स है और कितने टैक्स है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टैक्स जो है वो हमसे छूटेगी। सो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको ज्यादा जानकारी अगर चाहिए तो। हम सिर्फ उसमें मेन क्राइटेरिया और मेन वैसे टैक्स को जानने की कोशिश करेंगे, वैसे बहुत टैक्स। दोस्तों, अगर आपको अदर्स टैक्स की बात बताऊं तो उसमें आता है प्रोफेशनल टैक्स, मतलब आप अगर कमा रहे हो कहीं जॉब कर रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सैलरीड क्लास पीपल को देना पड़ता है दोस्तों, ऐसे गरीब लोगों को नहीं देना पड़ता है। इसमें आता है दोस्तों डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो शेयर बेचती है दोस्तों उसको ये टैक्स देना पड़ता है। अगला हमारा दोस्तों टैक्स आता है दोस्तों म्युनिसिपल टैक्स, ये म्युनिसिपल टैक्स वो टैक्स होता है जब आप कहीं रह रहे हो तो उसका भी आपको एक टैक्स देना पड़ेगा कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो या आप किसी भी प्रॉपर्टी को या लैंड पे रह रहे हो। इंटरटेनमेंट टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी टैक्स भी एक टैक्स है दोस्तों हमारे इंडिया में, जो कि दोस्तों अगर आप खरीद बिक्री करते हैं, मतलब कि कोई भी वैसा रजिस्ट्री करवाते हैं प्लॉट का, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फी, जो कि मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्री होती है दोस्तों प्लॉट की, उसके लिए भी आपको अलग से रुपये लगते हैं और वो भी एक टैक्स का प्रकार है दोस्तों। टोल टैक्स भी आप एक टैक्स दोस्तों, टोल टैक्स। उसके बाद दोस्तों आता है एजुकेशन सेस, और उसके बाद भी दोस्तों कई ऐसे टैक्स है जो मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन बहुत सारे टैक्स है जो आपको खोजने के बाद आपको गूगल पे मिल सकते हैं। सो जो बेसिक टैक्स थे उसके बारे में बात की, मतलब इंडिया में रहने के लिए हजार तरह के टैक्स को आपको पे करने पड़ेगा, और इंडिया की बात नहीं है और भी अदर कंट्री में भी होते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, एक ऑर्डिनरी इंसान जो है जो जॉब करता है वो अपने 40 से 50% जो हिस्सा जो इनकम है वो अपनी मतलब पूरी साल भर में अपनी पूरी जिंदगी लाइफ में वो टैक्स में पे करता है। और दोस्तों एक बिग सोर्स अगर टैक्स का या कमाई का सरकार का जरिया बताऊं तो वो है दोस्तों अल्कोहल टैक्स। आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कितना क्राइसिस चल रही थी इसके बेसिस पे, लेकिन जब ये अल्कोहल खुला तो कितने क्राउड भीड़ स्टार्ट हो गए थे जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। सरकार की एक पॉलिसी बताता हूँ दोस्तों जो आपको काफी हैरान करने वाली है। लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, इस फुटेज को आप देखिए, तब की फोटो है जब लॉकडाउन के दौरान
शराब के दुकान को खोला गया था। समझिए सरकार अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है तो कमाई के लिए वो सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएगी। दोस्तों अगर आप प्राइवेट कैब से कहीं जा रहे होंगे तो आपको ये रूल था कि सिर्फ एक इंसान ही जा सकता है, लेकिन वही अगर सरकार जब गाड़ियों में लात भर भर के दोस्तों जब मजदूरों को लाया गया तब वहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात याद नहीं आई। सो ये होता है हमारे सरकार के साथ और यह टैक्टिक्स चलती है कि जब सरकार का कमाई का जरिया है तो हर चीज को ओपन कर दो और जब लोगों के खर्चे की बात आए तो चुप रहो, क्या मतलब है इससे। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। जैसा कि मैंने बात बताया था शुरू में तीन टैक्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू और बोरिंग। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में दोस्तों एक स्पेशल प्रकार का टैक्स आता है। इसमें पहला आता है दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कि दोस्तों स्टेट जो लोन लेता है मतलब कहीं से भी स्टेट में लोग ले रहे हैं तो उससे जो पैसा आता है उसी को इंटरेस्ट रिसीव्ड कहते हैं। दूसरा है दोस्तों इकोनॉमिक सर्विसेज से भी आता है, जैसे कि रेलवे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी एक इकोनॉमिक टैक्स में जुड़ जाता है। प्रॉफिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी सरकार की कमाई का जरिया बनता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों प्रोजेक्ट रिवेन्यू। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट सरकार बनाई जो एक बार तो वो पैसा रिवेन्यू लगाए लेकिन उससे रिवेन्यू जनरेट होता रहता है, सो उसमें से भी सरकार की बहुत सारी कमाई होगी कि अगर इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने पैसा लगाया तो जितने भी विजिट करने लोग आएंगे तो वो पैसे देंगे। अगला दोस्तों आता है पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रॉफिट, जो कि एक और जरिया सरकार की कमाई का। और दोस्तों बात करते हैं बोरोइंग के बारे में। बोरोइंग दोस्तों एक कर्ज होता है और जो कि वर्ल्ड बैंक IMF या इंटरनेशनल बैंक से कोई भी कंट्री लेती है और एक दूसरे कंट्री से भी ले सकती है। अगर आप इंडिया में तो आप USA से पैसा ले सकते हैं, तो इस तरह से बोरोइंग लेता है। लेकिन बोरोइंग को मैं एक इनकम नहीं मानता हूँ क्योंकि इसके बावजूद बोरोइंग आप एक समय के लिए ले तो लेओगे कुछ समय, लेकिन उसके लिए आपको इसके लिए आपको एक प्रकार का इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो एक फिक्स अमाउंट है, और उसके बाद भी इंटरेस्ट देने के बावजूद भी आपको वो पैसे फिर से वापस रिपे करना होगा। सो ये मुझे नहीं लगता एक इनकम का जरिया बट माना जाता। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट 100 रुपए कमाते हैं तो वो कितने रुपए हैं जो कहां कहां से कमाते हैं। चलिए इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहां कहां से कितने रुपए इंडियन गवर्नमेंट प्राप्त कर पाती है। इसमें सिर्फ 1 रुपए का आंकड़ा बताया गया, आप जिस तरह से भी इसको कैलकुलेट करो, चाहो आप 10 रुपए लेकर हो, 1 रुपए लेकर करो, 100 रुपए या 10,000 रुपए करो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप न्यूमेरिकल को कितना वैल्यू दे रहे हो। दोस्तों 2016 और 17 के एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2016 और 17 के दोस्तों जो टैक्स था वो 51.3% जो टैक्स था दोस्तों वो डायरेक्ट टैक्स के पैसे से आया था, मतलब जितना टैक्स आया उसका 91.3% जो था वो डायरेक्ट टैक्स जमा कर रहा था, मतलब वो दे रहा था। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर सरकार को पैसे जो है वो कहाँ खर्च करती है। सो आइए बात करते हैं कि सरकार को पैसे कहाँ खर्च करती है, क्या वो बैंक सिर्फ अपने पॉकेट भरती है या कुछ काम भी करती है, ये बात करते हैं। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है पे सैलरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं चाहे वो बैंक में हो, स्कूल में है, हॉस्पिटल में, तो उनको ही पैसा देना पड़ता है जो कि सरकार देती है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट आता है वो है पे फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी सरकार पैसे देती है। पे फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि अगर आप पब्लिक हैं तो आपके लिए रोड बनेगी, ब्रिज बनेगी, डैम्स बनेगी, तो हॉस्पिटल बन रही है तो इसके लिए भी सरकार पे करती है पैसे। पे फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम मतलब वेलफेयर लोगों के हित के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम के लिए पैसे देना सरकार का काम है, जैसा कि सरकार हमेशा लॉन्च करती आई है जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, तो इस तरह से कई सारे जो मतलब कि योजनाएं हैं सरकार हमेशा सीम को प्रोवाइड कराती रहती है जिसके लिए सरकार पैसे देती है। अगला पॉइंट है दोस्तों पे फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, जैसा कि आपको हाल ही में पता चल रहा होगा कि राफेल आया, तो राफेल जब आया दोस्तों तो इसके लिए भी पैसा सरकार ने दिया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के क्रेडिट से ही पैसे कट रहे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों मेडिकल सर्विसेज, स्कूल्स, बिल्डिंग्स या कोई भी ऐसा सरकारी बैंक है तो उसके लिए भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, टीचर भेजना है तो वो भी सरकार ही पैसे देती है। अब दोस्तों एक अहम सवाल आता है बिल्ड
पे फॉर बिल्डिंग द स्टैचू। मतलब क्या कि जैसा आप लोग देख रहे हो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दी गई है, जिसका रिवेन्यू जनरेट होने में, उसका सिर्फ पैसा आने में कितना साल लगेगा वो तो कहा नहीं जा सकता है। मतलब उतने रुपए बर्बाद में खर्च कर दिए गए, वो भी दोस्तों टैक्स पेयर के पैसे से, जो कि नहीं करना चाहिए था सरकार को, क्योंकि आम आदमी इतने, आम आदमी जो है इतनी खून पसीने मेहनत के पैसे जो है वो टैक्स के नाम पर देती है और सरकार उससे स्टैचू बना रही है सिर्फ व्यू के लिए, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से। अगर वही पैसा लोगों के वेलफेयर के लिए लगाया जाता तो काफी अच्छा रहता। और अगला है दोस्तों पे इंटरेस्ट फॉर डेब्ट, मतलब जो कर्जे सरकार ने लिए हैं उनको तो देना पड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट जो है वो देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब पैसा सरकार देती है। अब दोस्तों आपको दो ऐसा रीजन बताता हूँ, पहला तो घोटाला जो सरकार को करनी ही करनी है, चाहे वो कोई भी हो, मैं इनफैक्ट किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये करता है और वो नहीं करते, मतलब शायद कोई करते होंगे, लेकिन घोटाला एक बहुत बड़ा पैसे मारने की जगह है जहाँ लोग पैसे रख लिया करते हैं वहां से घसका लिया करते हैं। और नहीं, अगर इतने से भी अगर सरकार की मन भरी तो कॉरपोरेट टैक्स को माफ कर देंगे, किसानों की आत्महत्या को तो नहीं रोकेंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनका माफी नहीं करेंगे, उनका जो कर्जा माफी है वो नहीं करेंगे, लेकिन अंबानी जी का कर्जा माफ कर देंगे, ये तो अच्छी बात हुई ना, तो सरकार की कुल फंड हो जाएगी। सो वेल गाइस, ये थे कुछ ऐसे खर्चे जो सरकार क्या करती है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे कि इलेक्शन में प्रचार करना होगा, सो कहने का तो इलेक्शन कमीशन नहीं देता, लेकिन आता तो कंट्री के ही लोगों के से है। और आपको मैं पिछली वीडियो में डेब्ट के बारे में जितनी भी चीजें हैं दोस्तों से संबंधित वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सो वेल गाइस, आज की बातें मैं ही तक रखती हूँ, और आपसे आशा करेंगे कि आपको ये बातें जो मैं बताया वो आपको समझ में आई होगी। सो जय हिंद और वंदे मातरम।